स्वागत है आप सभी का नई रिएक्शन वीडियो में। आज जो रिएक्शन होने वाला है वो वापस एक मूवी के ऊपर लेके आए हैं, गॉडफादर, जो चिरंजीवी सर की मूवी आई है उसी पर रिएक्शन करेंगे। नेक्स्ट पार्ट पे आज रिएक्शन करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो, उसके बाद थोड़ी बहुत उसके बारे में बात करेंगे। नहीं, बंदूक और पिस्टल भी थी, वो आपस में फुसफुसा रहे थे, फिर गाँव में बातें होने लगी और पता चल गया कि वो लोग वर्मा जी के आदमी है। जब सब मेरा साथ दे रहे तो तू अकेला ब्रह्मा का साथ देकर मेरा क्या उखाड़ लेगा। तू मरा तो सिर्फ एक बाय इलेक्शन करना पड़ेगा। तेरे मालिक को कुछ बताना है तो बता दे, कुत्ता है ना आखिरी बार भौंक ले। भौंक। बोलो रेडी। ब्रह्मा भाई, मैं पकड़ा गया। बाकी सब भी सामने आ जाओ। ओहो, बाकी सब कौन है फिर? ओहो, इन्हें लग रहा था कि ये सिर्फ एक ही है। चेहरे देखने लायक। ब्रह्मा के साथ हो। ओह, इन्हें लग रहा था सिर्फ एक ही है। हाँ। सबसे बड़ी बात, ये सभी एमएलए हैं, छोटे मोटे आदमी नहीं है। ओह। चेहरे देखने लायक। मैं अकेला ही नहीं हूँ, मेरे जैसे 40 वफादार कुत्तों ने अगर एक साथ भौंकना शुरू किया तो सीएम की कुर्सी सूंघ भी नहीं पाओगे। क्या तुमने तो पैसे लेकर साइन कर देंगे ऐसा कह के मुंडी हिलाई थी ना, अब ये क्या नौटंकी हो रही है? देखिए, तब ब्रह्मा ने कहा मान जाओ तो मान गया, पक्का उठ के चले जाओ तो जा रहे हैं। आंख बंद करके विश्वास। यहाँ जरूर फाइट होने वाली। एटीट्यूड लेवल अलग ही है सर। भाई आ चुके हैं, जल्दी से यहाँ से खिसक लो, सरकार ने इस फैक्ट्री को सील किया है, तुम्हारे बाप की जगह नहीं है। कौन है रे तू? बोल दिया ना, चल फट, तेरा दिमाग खराब हो गया है। शाड़े, खोपड़ी में छेद करूंगा तो नामो निशान का पता नहीं चलेगा। पता नहीं छेद का हो ब्रह्मा 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 की रट लगा रहा है, क्या हुआ बोलेगा? हम जिस ब्रह्मा को जानते हैं वो कोई और ही है। ये तो है शिव तांडव करने वाला काल भैरव। उन्हीं की बंदूक से उन्हें चलनी। पर जो इतने खड़े हैं क्या गन उनके पास नहीं है? फेरी के पास है। फाइटिंग अच्छी डाल रही है। Yeah.
सॉन्ग कितना प्यारा लग रहा है, बैकग्राउंड म्यूजिक जो चल रहा है ना वो इस फाइट सीन के साथ बहुत अच्छा लग रहा है। जो साथ में आए वो तो सिर्फ तमाशा देख रहे थे, एक ही काफी है। सही है। वन मैन आर्मी सारे 30-40 को या कुछ बचे हैं। जैसे खून की होली खेल रहा था, चारों तरफ खून की नदियां ही नदियां, गिनने तक का टाइम नहीं दिया ब्रह्मा ने। इसका फायदा उठा सकते हैं। अभी के अभी एसीपी को वहां भेजो। अगर उसका एक बाल भी मिला तो मर्डर के लिए अंदर करेंगे। कुछ नहीं मिलेगा शायद, कुछ है ही नहीं ना, जिसे कुछ हुआ ही नहीं। आप ठीक है सुधाकर? ओके सर, सुधाकर ने अभी रिपोर्ट किया है सर, 2 किलोमीटर रेडियस में देखा लेकिन कुछ भी नहीं मिला है सर। एटलीस्ट बुलेट केसिंग वेपन्स एनीथिंग? मेटल डिटेक्टर से चेक किया था सर, कुछ भी नहीं मिला सर, लगता है खबर झूठी थी। हाँ इंद्रजीत, क्या हुआ बताओ, कितनी देर लगा? ब्रह्मा जी आपको ये खबर देने वाला या तो पागल है या ब्रह्मा के पास कोई बहुत बड़ा जादूगर है। यह मैदान साफ है जैसे स्वच्छ भारत अभियान हुआ हो। क्या बोल रहा है तू? अरे वहाँ इतनी लाशें भेजी तो गई कहाँ? खोदूंगा तो सबके मरे हुए दादा परदादा बाहर आएंगे, पर आपने बताया वैसा कुछ नहीं है, यहाँ लाशों का नामो निशान नहीं है। मीडिया नहीं आई इसलिए ठीक है, वर्रा भाटा भूख जाता। अगली बार ब्रह्मा के खिलाफ कोई प्लान बनाओ तो कहीं सुनी पर नहीं, आंखों देखी पर यकीन करना। काफी अच्छा सीन था, और सबसे बड़ी बात ये कि इसमें फाइट सीन है, इस वाले सीन के अंदर फाइट सीन ही डाले हैं, और इसको एडिट किया वो इसलिए किया ताकि आपको फाइट सीन भी नजर आएगी। जो चिरंजीवी सर की जो फाइट सीन है वो कैसे हैं इस मूवी के अंदर, और मूवी काफ़ी अच्छी मूवी है और पॉलिटिक्स के ऊपर ही आधारित है मूवी, और काफ़ी मज़ा आएगा आपको। जो मतलब जो आप चिरंजीवी को समझोगे ना वो पता चलेगा कि वो है ही नहीं, कुछ और ही है। स्पॉइलर नहीं देंगे पूरी मूवी, फिर इस तरह से देखने में मज़ा नहीं आएगा। मतलब जो भी सीन जो ये मारने गए थे वो इसका रीज़न भी ये था कि जो ड्रग्स डीलर है वो स्टेट के अंदर अपना पाँव जमाना चाहते थे, लेकिन उनको जड़ से उखाड़ दिया, कहने का मतलब ये था। और जो स्टार्टिंग के अंदर जो एक MLA खड़ा होता है उसके बाद 40 MLA और खड़े होते हैं। अलग आप सभी को सीन कैसा लगा, ये रिएक्शन कैसा लगा जरूर बताना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय।